सो फ्रेंड्स, कल हमने बात की थी पंजाब की जो गवर्नमेंट कॉलेज हैं उनमें कट ऑफ कितनी जा सकती है, उसकी डिटेलिंग में कल वीडियो बनाई थी। इससे जस्ट पहले वाली वीडियो देख सकते हैं, आपको जो है स्क्रीन के लास्ट में भी एंड स्क्रीन पे भी मिलने वाली है ये वीडियो, और आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर भी जो पंजाब के जो गवर्नमेंट कॉलेज हैं उनकी डिटेलिंग में कट ऑफ जो है, एक्सपेक्टेड कट ऑफ और प्रीवियस ईयर की कट ऑफ जो है मैंने उसमें बताई है। तो अब बात करते हैं आपकी नेक्स्ट आगे की, जो प्राइवेट कॉलेज की कट ऑफ कितनी जा सकती है और जो आपका एक माइनॉरिटी के लिए अलग से है उसमें कितनी कट ऑफ प्रीवियस ईयर में थी और इस ईयर में कितनी जा सकती है। तो आप सभी को बता दूँ, आप किसी अदर स्टेट से हैं तो आप कमेंट कर दें, उस पर भी मैं आपको वीडियो अवेलेबल करवा दूँगा। सभी स्टेट की वीडियो जो है वो मैं बना रहा हूँ, और ये सारी वीडियो जो है वो हिंदी में ही रहने वाली हैं। आप अबाउट बॉक्स में जाकर मेरे को कमेंट कर सकते हैं, आपको कोई भी चीज़ समझ नहीं आई तो अबाउट बॉक्स में आपको मेरा मोबाइल नंबर मिलेगा, व्हाट्सएप के थ्रू आप मेरे को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अब बात करते हैं आपके लास्ट ईयर की, जो प्राइवेट मैनेजमेंट कोटा के थ्रू कितनी कट ऑफ गई थी उसके बात करने वाले हैं। तो देखिए, प्राइवेट गवर्नमेंट तीन ही कॉलेज हैं, अमृतसर, फरीदकोट, और एक कॉलेज और है जो कि आपका है अमृतसर, बठिंडा, अमृतसर, पटियाला और फरीदकोट। ये तीन ही कॉलेज हैं जिनमें आपके ये अवेलेबल हैं गवर्नमेंट कॉलेज, लेकिन प्राइवेट कॉलेज इससे भी ज़्यादा हैं, लेकिन मेरे को ये चार ही कॉलेज जो है वो मिले हैं, और इनकी कट ऑफ प्रीवियस ईयर में कितनी गई थी वो मैं आज आपको बताने वाला हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, नीट पीजी से रिलेटेड काफ़ी अपडेट जो है वो आपको मिलने वाले हैं काउंसलिंग तक के। तो देखिए, आपका 11 अगस्त से जो है वो काउंसलिंग स्टार्ट होने वाली है, उससे पहले काउंसलिंग स्टार्ट नहीं होगी। तो अब बात करते हैं आपके सीट मैट्रिक्स की भी, बात आपको बताने वाला हूँ कि किसमें कितनी सीटें अवेलेबल हैं किसमें। तो सबसे पहले बात करते हैं आपके एनेस्थेसियोलॉजी की। तो देखिए, एनेस्थेसियोलॉजी की जो कट ऑफ है लुधियाना की रही थी वो 22,000 के लगभग रही थी, वहीं अमृतसर में 50,000 के लगभग। तो इनकी फ़ीस की बात करूँ तो इनकी 15 लाख पर ईयर से ज़्यादा ही इनकी फ़ीस है प्रीवियस ईयर में, और इस साल शायद इससे भी कुछ थोड़ी इंक्रीज कर दी गई होगी। अब बात करते हैं आपके नेक्स्ट आगे, आदेश में कोई भी सीट अवेलेबल नहीं थी, और सीएमसी लुधियाना में 37,000 के लगभग कट ऑफ रही थी। अब देखिए, एनेस्थेसियोलॉजी की बात करते हैं, कट ऑफ की बात कर ली, अब सीट मैट्रिक्स की बात करते हैं कि प्राइवेट में कितनी सीट अवेलेबल हैं। तो आपका जो बठिंडा का आदेश है इसमें इन्होंने सीट पहले नहीं दिखा रखी थी, लेकिन जब मैंने इंटरनेट पर सर्च किया तो एनेस्थेसियोलॉजी की 4 सीट जो है यहाँ पर अवेलेबल हैं, और वहीं अमृतसर लुधियाना में 10 सीट अवेलेबल हैं सीएमसी में। और आगे बात करूँ तो एनेस्थेसियोलॉजी जो लुधियाना का डीएमसी कॉलेज है यहाँ पर सीट 10 अवेलेबल हैं, सॉरी 15, यहाँ पर लुधियाना में 15 जो हैं वो अवेलेबल हैं, और इस साल जो है इंक्रीज लुधियाना वाले में इंक्रीज होने की कुछ संभावना है कि 1 से 2 सीट जो है वो इंक्रीज कर दी जाए। और इसकी कट ऑफ जो है एक्सपेक्टेड कट ऑफ इस ईयर की जो है वो कट ऑफ है यहाँ पर कुछ ज़्यादा इंक्रीज नहीं होने वाला, 2 से 3,000 के लगभग यहाँ पर इंक्रीज हो सकता है, 25,000 के लगभग यहाँ पर आपका कट ऑफ रहने वाली है। अमृतसर की बात करूँ SGRD की, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 5,000 के लगभग इंक्रीज हो सकता है, 55,000 के लगभग कट ऑफ जा सकती है। लुधियाना सीएमसी की बात करूँ तो यहाँ पर देखिए ज़्यादा इंक्रीज नहीं हो सकता सीएमसी लुधियाना में। और आदेश की भी मैं आपको बता देता हूँ, सीएमसी की बात करूँ तो सीएमसी लुधियाना में यहाँ पर 39 तक ही जा सकती है, इससे ज़्यादा प्लस यहाँ पर नहीं जाएगी। और वहीं आदेश की बात करूँ तो आदेश बठिंडा कॉलेज में आपकी कट ऑफ जो है वो 30,000 के लगभग आपकी कट ऑफ जा सकती है। डर्मेटोलॉजी की बात करते हैं तो डर्मेटोलॉजी की लुधियाना में DMC में 1,300 के लगभग इसकी कट ऑफ थी, और इस साल जो ये कट ऑफ है इसमें ज़्यादा इंक्रीज नहीं होने वाला है, 1,400 के लगभग ही कट ऑफ जो है वो रहने वाली है। और SGRD की बात करूँ तो यहाँ पर 10,000 के लगभग कट ऑफ प्रीवियस ईयर में थी, और लगभग यही कट ऑफ जो है 2020 और 2021 में रही है, और इस साल जो कट ऑफ रहने वाली है वो थोड़ी सी यहाँ पर इंक्रीज होने वाली है, क्लोजिंग रैंक यहाँ पर 12,000 के लगभग जो है कट ऑफ जा सकती है। और CMC और आदेश की प्रीवियस ईयर की कोई कट ऑफ की कोई डाटा मेरे को नहीं मिला, और अब इनकी जो डर्मेटोलॉजी के जो कट ऑफ है इसकी सीट मैट्रिक्स कितनी है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो देखिए, सीट मैट्रिक्स की बात करूँ डर्मेटोलॉजी में DMC में 1 सीट अवेलेबल है, और वहीं सॉरी DMC में 2 सीट हैं और CMC में 1 सीट है। और वहीं आगे बात करें आपकी जो अमृतसर
SGRD का अमृतसर, यहाँ पर 2 सीट अवेलेबल हैं और इस साल इसमें कोई भी इंक्रीज़ नहीं होने वाली है, कोई सीट इंक्रीज़ नहीं होने वाली है। और जनरल मेडिसिन सबसे ज़्यादा स्टूडेंट ने मेरे इसी का क्वेश्चन पूछा गया है, जनरल मेडिसिन में की कट ऑफ कितनी जा सकती है। तो देखिए जनरल मेडिसिन की कट ऑफ जो है वो DMC की बात करूँ तो यहाँ पर देखिए सीट 4, 5 से 4 के लगभग सीट हैं, और वहीं कट ऑफ जो है प्रीवियस ईयर में 3,800 के लगभग कट ऑफ रही थी, और इस साल जो कट ऑफ है वो 4,200 के लगभग कट ऑफ जा सकती है। वहीं SGRD की बात करूँ तो यहाँ पर 12,000 के लगभग थी और इस बार ये कट ऑफ जो है 15,000 के लगभग जा सकती है। और आदेश की बात करूँ तो यहाँ पर देखिए 12,000 के लगभग ही इसकी कट ऑफ है और इस साल जो है ये काफ़ी इंक्रीज होने वाली है, 16,000 के लगभग यहाँ पर कट ऑफ जो है वो जा सकती है। CMC की बात करूँ तो CMC में ये 6,000 प्रीवियस ईयर में थी और इस साल जो है 7,000 के लगभग कट ऑफ आपकी जा सकती है। और अब बात करें इसकी जनरल मेडिसिन की जो कट ऑफ जो कि सीट हैं वो कितनी है, तो देखिए CMC लुधियाना में जो कट ऑफ सीट अवेलेबल हैं वो 8 सीट अवेलेबल है, और वहीं आपके प्राइवेट कॉलेज लुधियाना DMC में जनरल मेडिसिन की 16 सीट अवेलेबल हैं। और वहीं आपकी जो SGRD की बात करूँ तो SGRD में 12 सीट जो हैं वो अवेलेबल हैं, हालांकि DMC और SGRD में कुछ इंक्रीज हो सकती हैं सीट, जिससे कि आपकी क्लोजिंग रैंक है वो ऊपर जा सकती है। अब बात करें आपकी पेडिट्रिक्स की, तो देखिए पेडिट्रिक्स की बात करूँ तो इसकी 8,000 के लगभग कट ऑफ थी, और जो लुधियाना CMC और DMC दोनों में सीट इक्वल हैं, यहाँ पर देखिए 8 सीट अवेलेबल हैं और यहाँ पर 9 सीट अवेलेबल हैं, और इसमें कोई भी सीट जो है वो इसकी इन्फॉर्मेशन नहीं मिली कितनी सीट अवेलेबल हैं, 4 से 5 सीट शायद अवेलेबल हैं इसमें। और आदेश की बात करूँ तो यहाँ पर 2 सीट अवेलेबल हैं, और कट ऑफ की बात करूँ तो प्रीवियस ईयर की कट ऑफ जो है 2021 में ये कट ऑफ जो है वो हाई गई थी, 10,000 के लगभग थी, और 22 में ये नीचे हुई 8,000 के लगभग हुई, लेकिन इस बार फिर से ये जो है वो 11,000 के लगभग कट ऑफ आपकी जाने वाली है। और वहीं SGRD में ये कट ऑफ ज़्यादा इंक्रीज नहीं होगी, यहाँ पर 15,000 के लगभग ही कट ऑफ आपकी जाने वाली है। आदेश की बात करूँ तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर 13,000 के लगभग आपकी कट ऑफ रहने वाली है क्लोजिंग रैंक। और वहीं CMC की बात करूँ तो CMC में पेडिट्रिक्स की जो क्लोजिंग रैंक रहने वाली है वो 13,000 के लगभग आपकी कट ऑफ रहने वाली है। तो देखिए ये जो डाटा मैं आपको बता रहा हूँ ये पूरे दिन एनालिसिस किया है मैंने, फेसबुक कुछ पेज हैं वहाँ पर, और कुछ मैंने कम्युनिटी पोस्ट करके यूट्यूब पर, उससे भी मैंने काफ़ी डाटा जो है वो कलेक्ट किया है। तो जो प्रीवियस ईयर की कट ऑफ है वो आपको यहाँ पर बता रहा हूँ, और इस साल की कट ऑफ जो है वो कितनी जा सकती है वो भी मैं आपको बता रहा हूँ। तो देखिए पैथोलॉजी की बात करें तो ये लाइन जो है वो DMC की है, दयानंद मेडिकल कॉलेज, और ये CMC लुधियाना की है, और ये आदेश वाली है, और ये अमृतसर वाले प्राइवेट कॉलेज की है। तो पैथोलॉजी की बात करें तो पैथोलॉजी में CMC और DMC में 5 सीट हैं DMC में दयानंद में, और CMC में 4 सीट अवेलेबल हैं। और वहीं बात करूँ आपके आदेश की तो आदेश में 4 सीटें अवेलेबल हैं पैथोलॉजी की। और अब कट ऑफ की बात करें तो यहाँ पर देखिए काफ़ी हाई कट ऑफ है, प्रीवियस ईयर में जो है वो गई थी, क्लोजिंग रैंक हाई थी, और इस साल जो क्लोजिंग रैंक रहने वाली है वो यहाँ पर 46,000 के लगभग कट ऑफ रहने वाली है। और वहीं जो अमृतसर की 1,10,000 के लगभग थी, और ये इस बार जो है 1,20,000 के लगभग आपकी क्लोजिंग रैंक रहने वाली है। और वहीं बात करूँ पैथोलॉजी में आदेश की तो आदेश में प्रीवियस ईयर का डाटा मेरे को नहीं मिला, फिर भी इस साल की जो कट ऑफ जा सकती है वो 60,000 के लगभग पैथोलॉजी कट ऑफ जा सकती है। और वहीं आपकी CMC की बात करूँ CMC की तो यहाँ पर 62,000 के लगभग कट ऑफ थी, और इस साल जो है ये 67,000 के लगभग कट ऑफ जा सकती है। और साइकेट्री की बात करें तो साइकेट्री में देखिए डाटा जो है वो DMC का मिला है, 13,000 के लगभग कट ऑफ यहाँ पर थी, और इस साल जो ये कट ऑफ जा सकती है वो 14,000 के लगभग कट ऑफ आपकी जा सकती है। अब सीट मैट्रिक्स की बात करें यहाँ पर तो देखिए साइकेट्री में सीट की बात करूँ तो सभी में 3-3 सीट अवेलेबल हैं, आदेश में CMC में नहीं है, DMC में 3 सीट अवेलेबल हैं, और जो पटियाला प्राइवेट कॉलेज है वहाँ पर भी कोई सीट जो है वो शो नहीं कर रहा है। आदेश और आपके जो DMC और आदेश में दोनों में सीट अवेलेबल हैं। और रेडियो डायग्नोसिस की बात करें तो यहाँ पर 1,100 के लगभग कट ऑफ थी DMC की, और आपके जो अमृतसर पटियाला कॉलेज है, सॉरी अमृतसर प्राइवेट कॉलेज है, यहाँ पर
5000 के लगभग कट ऑफ थी, और इस साल जो है ये कट ऑफ थोड़ी सी इंक्रीज होने वाली है, 5600 के लगभग कट ऑफ ये जाने वाली है। और अब बात करते हैं सीट मैट्रिक्स की। तो देखिए रेडियो डायग्नोसिस की बात करूँ तो डीएमसी में सीट जो है सबसे ज़्यादा है, 10 सीट यहाँ पर अवेलेबल हैं। और वहीं आपके आदेश की बात करूँ तो आदेश में 2 से 3 सीट जो हैं वो अवेलेबल हैं, और वहीं आपकी सीएमसी में 6 सीट जो है वो अवेलेबल हैं। और इस साल जो है वो डीएमसी में काफ़ी जो ब्रांच हैं आपकी सभी ब्रांच में 2 से 3 सीट जो है वो इंक्रीज होने वाली हैं, और अदर में आपके आदेश में भी काफ़ी सीट जो है वो इंक्रीज होने वाली हैं। और आगे बात करते हैं आपकी जनरल सर्जरी की। तो देखिए आपके जो जनरल सर्जरी है इसकी सबसे ज़्यादा पूछी गई है, और स्टूडेंट जनरल सर्जरी से आपको बता दूं कि सीट जो है वो काफ़ी इंक्रीज होने वाली हैं। सबसे ज़्यादा जनरल सर्जरी में ही जो सीट हैं वो इंक्रीज होने वाली हैं। प्रीवियस ईयर की सीट्स की बात करें तो यहाँ पर देखिए ये डीएमसी की है, डीएमसी में आपकी सीट अवेलेबल 8 सीट हैं डीएमसी में भी, और सीएमसी में भी 8 सीट ही अवेलेबल हैं। और वहीं आगे बात करें आपके जो प्राइवेट कॉलेज आदेश प्राइवेट कॉलेज है, यहाँ पर आदेश प्राइवेट कॉलेज में 10 सीट जो हैं वो अवेलेबल हैं, और ये सीट इस बार इंक्रीज होने वाली हैं। कट ऑफ की बात करूँ जनरल सर्जरी में, जनरल सर्जरी की कट ऑफ जो है वो हर साल जो है वो इंक्रीज हो रही है जनरल सर्जरी में, और इस साल भी ये क्लोजिंग रैंक है वो इंक्रीज होने वाली है। यहाँ पर 16,000 के लगभग प्रीवियस ईयर में कट ऑफ थी, और इस साल जो है ये 19,000 के लगभग कट ऑफ जाने वाली है। और वहीं आपकी प्राइवेट कॉलेज जो अमृतसर का है वहाँ की बात करें तो 31,000 के लगभग कट ऑफ प्रीवियस ईयर थी, और इस साल जो है ये 35 के लगभग जो है कट ऑफ जाने वाली है, 35,000 के लगभग कट ऑफ आपकी जाने वाली है। आदेश की बात करूँ आदेश प्राइवेट कॉलेज में ये कट ऑफ जो है वो 85,000 के लगभग जो है वो कट ऑफ जाने वाली है। और वहीं सीएमसी की बात करूँ तो यहाँ पर 27,000 के लगभग कट ऑफ इस बार जा सकती है। और इस आपके जो एक बार फिर से मैं बता दूं कि 11 अगस्त से आपकी काउंसलिंग शुरू होने वाली हैं, वो टोटल डिटेल आपको इस चैनल पर मिलने वाली हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और ओबी और गायनकोलॉजी की बात करने वाले हैं हम आगे, इसकी कितनी सीट अवेलेबल हैं और कितनी कट ऑफ जो है वो जा सकती है। और मैं आपको ये भी बताने वाला हूँ कि माइनॉरिटी की जो सीट हैं वो कहाँ पर कितनी सीट हैं। तो देखिए ओबी में डीएमसी और सीएमसी की बात करते हैं तो यहाँ पर ओबी की कट ऑफ जो है वो 4-4 सीट जो है वो अवेलेबल हैं, और इस साल जो है सीट ओबी में इंक्रीज जो है वो आदेश में ही चांस हैं कि इंक्रीज हो जाएं। और आदेश में प्रीवियस ईयर में कट ऑफ जो सीट हैं वो 3 ही अवेलेबल हैं, और जो सीएमसी में 6 अवेलेबल हैं। और आगे बात करें आपके जो डीएमसी है वहाँ पर 4 अवेलेबल हैं, तो आदेश में कुछ इंक्रीज हो सकती हैं। और आपकी कट ऑफ की बात करूँ तो देखिए डाटा इसका ज़्यादातर मेरे को नहीं मिला ओबी और गायनों का, तो प्रीवियस ईयर के कंपैरिजन में ही मैं आपको इसका बताने वाला हूँ कि कट ऑफ कितनी जाने वाली है। तो प्रीवियस ईयर में 7,800 के लगभग कट ऑफ थी, और इस साल जो है ये कट ऑफ ज़्यादा इंक्रीज क्लोजिंग रैंक नहीं होने वाली है, यहाँ पर 8,100 के लगभग आपकी कट ऑफ जा सकती है। और वहीं आपकी जो अमृतसर का प्राइवेट कॉलेज है वहाँ पर 15,000 के लगभग प्रीवियस ईयर में थी, और इस साल जो है वो 17,000 के लगभग आपकी कट ऑफ जा सकती है। और बात करें आगे आदेश की तो यहाँ पर 26 के लगभग प्रीवियस ईयर की कट ऑफ थी, जबकि 20 में ये कट ऑफ जो है वो 30,000 के लगभग आपकी कट ऑफ थी, और इस साल जो है वो 30,000 के लगभग ही कट ऑफ जाने वाली है। और वहीं बात करें आपके सीएमसी की, सीएमसी में भी ज़्यादा इंक्रीज नहीं होने वाला है, यहाँ पर 10,000 के लगभग ही आपकी कट ऑफ रहने वाली है। अब बात करते हैं ऑप्थोलॉजी की, यहाँ पर देखिए इंक्रीज लगभग जो पटियाला जो अमृतसर कॉलेज हैं और सीएमसी डीएमसी इनकी तीनों की कट ऑफ जो है वो लगभग सेम ही रहने वाली है इस साल 20,000 के लगभग इनकी कट ऑफ जो है वो रहने वाली है। और वहीं टीबी टेस्ट की बात करूँ तो यहाँ पर देखिए इनमें सीट अवेलेबल नहीं दिखाई हैं, जबकि डीएमसी में इसकी सीट अवेलेबल हैं, इसकी कट ऑफ जो है वो नहीं शो हो रही है। और इस बार टीबी इसकी कट ऑफ जो है वो यहाँ पर 26,000 के लगभग कट ऑफ जा सकती है। और जो अमृतसर और आदेश कॉलेज है वहाँ पर बात करूँ तो देखिए अमृतसर वाले में कट ऑफ ज़्यादा इंक्रीज नहीं होने वाली है, 2,000 पॉइंट जो है क्लोजिंग रैंक यहाँ पर इंक्रीज हो सकती है। और आगे बात करूँ आपके ऑर्थोपेडिक्स की, तो ऑर्थोपेडिक्स में देखिए आपका सबसे ज़्यादा इंक्रीज जो है वो अमृतसर और सीएमसी की ही कट ऑफ यहाँ पर शो हो रही हैं, और यहाँ पर सीट भी कुछ अवेलेबल हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए यहाँ पर 5 सीट अवेलेबल हैं आपकी अमृतसर में, और
पांच सीट ही जो है वो यहाँ पर अवेलेबल हैं डीएमसी में। सीएमसी में चार अवेलेबल हैं, जबकि आदेश में तीन सीट अवेलेबल हैं। और इस बार जो है वो ज़्यादा इंक्रीज़ नहीं होगी आपकी क्लोजिंग रैंक। और मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि आपकी जो माइनॉरिटी कम्युनिटी है उसकी कट ऑफ कितनी जा सकती है। तो देखिए, ये माइनॉरिटी कम्युनिटी कोटा है, तो इसकी कट ऑफ जो है वो प्रीवियस ईयर में कितनी थी, सिख माइनॉरिटी और क्रिश्चियन माइनॉरिटी कट ऑफ। तो इसमें सभी की जो है वो आप स्क्रीनशॉट जो है वो ले सकते हैं। और इसमें इंक्रीज जो होने वाले हैं वो भी मैं आपको बता दूं कि ज़्यादा इंक्रीज नहीं होने वाला है इस बार। सिख माइनॉरिटी की बात करूँ तो 86,000 के लगभग एनेस्थीसियोलॉजी की प्रीवियस ईयर में कट ऑफ थी, और इस साल जो ये कट ऑफ जो है वो 1,00,000 के लगभग जा सकती है। क्रिश्चियन माइनॉरिटी में तो सबसे पहले मैं आपको सिख माइनॉरिटी का डाटा जो है वही मैं आपको बता देता हूँ। क्रिश्चियन माइनॉरिटी का डाटा मेरे पास में ज़्यादा अवेलेबल नहीं है, तो इसलिए मैं इनकी कट ऑफ मैं आपको ज़्यादा सही से नहीं बता पाऊँगा। सिख माइनॉरिटी का डाटा जो मैंने कलेक्ट किया है उसी के बेस पर मैं आपको बता देता हूँ। तो एनेस्थेसियोलॉजी की बात करूँ तो यहाँ पर 86 आपको बता दिया है कि 1,00,000 के लगभग एक्सपेक्टेड कट ऑफ जा सकती है। जनरल मेडिसिन की 27,000 के लगभग कट ऑफ थी, और इस साल जो है वो 30,000 के लगभग कट ऑफ जा सकती है। और वहीं पेडियाट्रिक्स की बात करूँ तो ये 28,000 के लगभग प्रीवियस ईयर में कट ऑफ थी, और इस साल जो है ये 31,000 के लगभग कट ऑफ जा सकती है। वहीं पैथोलॉजी की बात करूँ तो पैथोलॉजी में काफ़ी इंक्रीज क्लोजिंग रैंक होने वाली है, 1,10,000 के लगभग जो है वो आपकी कट ऑफ में जा सकती है। और वहीं आपकी रेडियो डायग्नोसिस की बात करूँ तो यहाँ पर देखिए 11,000 के लगभग कट ऑफ थी, और इस साल जो है ये 14,000 के लगभग कट ऑफ जाने वाली है रेडियो डायग्नोसिस की। टीबी की बात करूँ तो यहाँ पर 36,000 के लगभग कट ऑफ प्रीवियस ईयर में थी, और इस साल ये 40,000 के लगभग कट ऑफ जा सकती है। ईएनटी की बात करूँ तो यहाँ पर देखिए 71,000 के लगभग कट ऑफ थी, और इसमें इस बार काफ़ी जो है क्लोजिंग रैंक इंक्रीज होने वाली है, 81,000 के लगभग जो है कट ऑफ जा सकती है। जनरल सर्जरी की बात करूँ तो यहाँ पर देखिए 71,000 के लगभग ही इसकी कट ऑफ थी, और इस साल जो है इसकी 80,000 के लगभग कट ऑफ जो है वो जा सकती है। ओबी की बात करूँ 22 के लगभग आपकी कट ऑफ प्रीवियस ईयर में थी, और इस साल जो है 25,000 के लगभग कट ऑफ जा सकती है। और वहीं ऑर्थोपेडिक्स की बात करूँ तो यहाँ पर 41,000 के लगभग कट ऑफ प्रीवियस ईयर की थी, और इस साल जो है ये 44,000 के लगभग आपकी कट ऑफ जा सकती है। आगे भी आपको नई न्यूज़ जो है वो सीजीएल नीट